अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेक्सटेरियस फरियाल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं शेयर कर रही हूँ गर्मियों में सबसे ज़्यादा किए जाने वाला फ़ैशन, फर्स्ट फ्री कंफर्टेबल फ़ैशन है ये। अगर आप गर्मियों में फर्स्ट फ्री कंफर्टेबल फ़ैशन करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट फ्रॉक्स लाजमी ट्राई करें, क्योंकि अगर आप इसको स्मार्टली स्टाइल करें, अच्छे से स्टाइल करें, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नज़र आते हैं। और ये शॉर्ट फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और ख़ासतौर पर गर्मियों में आप इन्हें पहन के बहुत ईजी फील करते हैं। आप ऐसी बहुत सारी शॉर्ट फ्रॉक ला सकते हैं, बल्कि खुद से स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप खुद स्टिचिंग जानती हैं तब तो वेल एंड गुड है। आप हर तरह की शॉर्ट फ्रॉक्स के डिज़ाइंस यहाँ से देख के अपनी स्टिच कर सकती हैं। ये बहुत सारी मैंने आपसे लेटेस्ट कलेक्शन शेयर की है शॉर्ट फ्रॉक्स की। शॉर्ट फ्रॉक्स जो हैं ज़्यादातर जीन्स के साथ वेयर की जाती हैं, और अगर आपको जीन्स पहनना पसंद है तो आपके वार्डरोब में बहुत सारी शॉर्ट फ्रॉक्स होनी चाहिए। और आप इनको जीन्स के अलावा सिंपल शलवार के साथ भी वेयर कर सकती हैं, या आप ट्राउज़र्स के साथ, ट्राउज़र पैंट्स के साथ, या धोती पैंट्स के साथ भी इसे यूज़ कर सकती हैं। पटियाला पैंट्स के साथ भी ये बहुत औसम लगती हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितना स्मार्टली इनको वेयर किया गया है और इनके कलर कॉम्बिनेशन भी कितने औसम हैं। और ख़ास तौर पे ये लॉन फैब्रिक में जो फ्रॉक्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो फैब्रिक यूज़ होता है वो लॉन ही है, और लॉन में आप बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं। अब इन शॉर्ट फ्रॉक्स के साथ लेगिंग वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी फ्रॉक ज़्यादा ही शॉर्ट है, तो अगर वो थाइस से भी ऊपर ऊपर है, तो आप इसको उसके साथ वेयर ना करें, बहुत ज़्यादा ऊपर लगेगा। लेकिन ये जो जितनी भी शॉर्ट फ्रॉक्स आप देख रहे हैं, आप इनको जीन्स के साथ, ट्राउज़र्स के साथ, पटियाला पैंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, टाइट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इवन के लहंगे और गराउन के साथ भी ये बहुत ज़्यादा औसम लगती हैं और बहुत ज़्यादा आप स्टाइलिश नज़र आती हैं। इन फ्रॉक्स में आपको कैजुअल फ्रॉक्स भी देखने को नज़र आएंगी और फॉर्मल फ्रॉक्स भी देखने को नज़र आएंगी, लेकिन ये ज़्यादातर जीन्स के साथ बेस्ट रहती हैं, क्योंकि आप उसके साथ बेटा भी स्टिच कर सकते हैं और फिर ये है कि आपकी काफ़ी फ्यूजन टाइप लुक आ जाती है। और अगर आप इनको धोती पैंट्स के साथ वेयर करती हैं तो बहुत ही क्लासी लुक आती है आपकी इससे। और आप इसको प्लाजो पैंट्स के साथ भी वेयर करें, बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा, जस्ट लाइक ये देखें आप, बहुत क्यूट लगेगा अगर आप इसको प्लाजो पैंट्स वगैरह के साथ भी वेयर करती हैं तो। और जो स्ट्रेट शॉर्ट फ्रॉक्स होती हैं उन्हें अगर आप शरारा वगैरह के साथ वेयर करती हैं तो वो भी बहुत औसम लगेगा। शॉर्ट कुर्तीज़ को आप प्रिंटेड फैब्रिक या प्लेन फैब्रिक के साथ भी स्टिच करवा सकती हैं, या आप इसको रेडीमेड भी ले सकती हैं। और ये शॉर्ट फ्रॉक्स जो होती हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स पे तो ज़्यादा क्यूट लगती हैं। कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और समर में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगती हैं। आप इस वीडियो में देख सकती हैं कि मैंने इसमें बहुत सारी शॉर्ट फ्रॉक्स के डिज़ाइंस शेयर किए हैं। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो भी आप ये शॉर्ट फ्रॉक्स ट्राई कर सकती हैं और बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत डिसेंट लगेंगी। और नॉर्मली आप घर में अगर इस तरह की शॉर्ट फ्रॉक्स पहनती हैं तो बहुत कम्फर्टेबल रहेंगी। इन शॉर्ट, अगर आप अपने समर को फुली इंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये शॉर्ट फ्रॉक्स लाजमी ट्राई करें, और ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका समर अच्छे से गुजर सकता है तो वो सिर्फ इस तरह की ड्रेसिंग करके कि आप ट्रेंडिंग भी नज़र आएँ और कंफर्टेबल भी रहें। तो ये इस तरह की ड्रेसिंग करके आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी नज़र आ सकते हैं और कंफर्टेबल भी रह सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेटेस्ट कलेक्शन पसंद आई होगी शॉर्ट फ्रॉक्स की, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और आई होप कि वो भी आपको पसंद आएगी। तो काइंडली इसको मिस मत कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इजाज़त दें, और मुझे कमेंट्स में लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाती रहूं और आपके साथ ट्रेंडिंग आइडियाज़ शेयर करती रहूं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।